वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं तरुण कौशिक और यार मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे एंड सभी ये बोल रहे थे कि ऐसी बुक्स बताइए जिनसे हम वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS, JavaScript, C++, Python, मतलब जिनसे हम वेब डेवलपमेंट के साथ साथ जो और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन्हें भी सीख सकें। और अगर हम PDF बुक्स की बात करें तो बेसिकली PDF बुक्स इतनी सारी अवेलेबल हैं एंड वो इजीली एक्सेसिबल भी नहीं हो पाती हैं हर किसी को। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी PDF बुक्स के बारे में बात करूंगा जिनसे हम बिगिनर टू एडवांस लेवल तक सीख पाएंगे एंड मैं सभी बुक्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां पे जाके उन बुक्स को PDF वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहली बुक की मैं अगर बात करूं, जिस बुक के साथ मैंने भी स्टार्टिंग की थी अपने कोडिंग करियर की, मैंने जब वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट किया था तो मैंने भी सबसे पहले इसी बुक के साथ सीखना स्टार्ट किया था, HTML एंड CSS डिजाइन एंड बिल्ड वेबसाइट्स बाई जॉन डकेट। सो दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग बुक फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स। अगर आप एक बिगनर हो और आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। आपको इस बुक से जो HTML एंड CSS के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से सीखने को मिलेंगे। ये बुक सिर्फ बेसिक्स के लिए है। आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो ये बुक आपके लिए इतनी यूजफुल नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप इस बुक में जो प्रेजेंटेशन दी हुई है, जिस तरीके से इस बुक में कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, ऐसा मैंने किसी और बुक में आज तक नहीं देखा। आई रियली लव दिस बुक। तो आप यहाँ पे ये टॉपिक्स यहाँ पे देख सकते हो, पहले यहाँ पे HTML, टेक्स्ट, लिस्ट, लिंक्स, इमेजेस, टेबल्स, फिर उसके बाद यहाँ पे चैप्टर 10 के बाद CSS स्टार्ट होती है और CSS के अंदर कलर, टेक्स्ट, बॉक्सेस, लिस्ट, टेबल, फॉर्म, लेआउट, HTML वेब लेआउट, प्रैक्टिकल डिजाइन। तो जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सभी इस बुक के अंदर हैं। तो आप अगर HTML और CSS से स्टार्ट कर रहे हो वेब डेवलपमेंट के अंदर तो आपको इस बुक के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए। मैं आपको एक बार बुक दिखा देता हूँ, जो इस बुक लेआउट है, जिस तरीके से इस बुक में कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। एंड मैं सच बताऊँ आपको, मुझे ये बुक इतनी पसंद आई थी कि मैंने इस बुक की हार्ड कॉपी भी परचेज कर ली थी। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये कोड दिया हुआ है और यहाँ पे ये आउटपुट दिया हुआ है और ये आप यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे से यहाँ पे इन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इस बुक का आप PDF वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। मैं सभी बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इन्हें इजिली डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम चलते हैं अपनी सेकेंड बुक की तरफ। सो गाइस सेकेंड बुक की बात मैं करूँ अगर, जो कि है यू डोंट नो जावास्क्रिप्ट। ये काफी छोटी बुक है। इस बुक के अंदर फालतू की जो बकवास होती है वो बिल्कुल भी नहीं लिखी हुई है। इसके अंदर जो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है, तो इस बुक के अंदर जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं सिर्फ उनके बारे में बात की गई है। जैसे यहाँ पर एरेज, स्ट्रिंग्स, नंबर्स एंड और भी काफी सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे, लूप्स वगैरह। और मैं अगर आपको एक बार बुक दिखाऊं तो ये देखिए चैप्टर 1 टाइप्स। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप्स की बात की गई है, बेसिक कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से क्लियर कर पाओगे और ये स्पेसिफिकली जावा स्क्रिप्ट के लिए ही है। तो आपको अगर जावा स्क्रिप्ट अच्छे से सीखनी है तो मैं आपको ये बुक प्रीफर करूंगा। यहाँ से आप काफी अच्छे से जावा स्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से सीख सकते हो और उन्हें प्रैक्टिकली समझ सकते हो। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्ड बुक की तरफ। सो गाइस थर्ड बुक की बात मैं करूं अगर, जो कि है जावा के ऊपर। आप अगर जावा सीखना चाहते हो अच्छे से तो ये बुक आपके लिए है। और इस बुक के अंदर फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस लेवल तक का कंप्लीट के बुक के अंदर बताया हुआ है। एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से इस बुक के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप अगर जावा सीखना चाहते हो तो आप इस बुक को चूज कर सकते हो, ये काफी अमेजिंग बुक है। तो अभी हम चलते हैं अपने फोर्थ बुक की तरफ। सो गाइस फोर्थ बुक है सी लैंग्वेज से रिलेटेड। आपको अगर सी लैंग्वेज सीखनी है
तो आप इस बुक से काफी चीजें सीख सकते हो, क्योंकि इस बुक के अंदर, ये बुक भी ज्यादा लॉन्ग नहीं है और इस बुक के अंदर भी पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है। और इसके अंदर आप देख सकते हो डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, स्टोरेज क्लासेस, ऑपरेटर्स, सो जो मेन मेन कॉन्सेप्ट हैं सिर्फ उनको ही इस बुक के अंदर कवर किया गया है। तो यहाँ से आप सी लैंग्वेज को काफी अच्छे से फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस लेवल सीख सकते हो। और फिफ्थ बुक है सी प्लस प्लस के ऊपर, एंड ये भी काफी अमेजिंग बुक है। इसके अंदर बेसिक टू एडवांस लेवल सभी टॉपिक्स काफी अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आप सी प्लस प्लस स्टार्ट कर रहे हो एज अ बिगिनर, तो ये बुक आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और इस बुक के अंदर डी एस ए भी दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डाटा स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस। सो ये हमारी फिफ्थ बुक रही सी प्लस प्लस के ऊपर। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट बट नॉट लीस्ट बुक की तरफ, जो कि है पाइथन। इस बुक के अंदर भी पाइथन के सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर किया गया है काफी ब्रीफली। एंड अगर आप पाइथन स्टार्ट करते हो तो इस बुक से आप पाइथन बिगनिंग लेवल से सीख सकते हो इजीली। इस बुक के अंदर सभी चीजें काफी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। तो हमने इस वीडियो में सिक्स बुक्स के बारे में बात की, जावा, HTML एंड CSS, जावा स्क्रिप्ट, C++ एंड पाइथन से रिलेटेड थी। एंड ये सभी काफी ज्यादा फेमस बुक्स हैं, एंड इनसे आप काफी अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाओगे और काफी अच्छे से सीख पाओगे। सो दैट्स व्हाई मैंने इन सभी बुक्स को इस लिस्ट में रखा है। एंड मैं सभी बुक्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां पे जाके इनका PDF वर्जन डाउनलोड कर सकते हो और इन्हें रीड कर सकते हो और अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। Thank you.